नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Lenovo Yoga Tab 11 vs Apple iPad 10.2 2020 Wi-Fi Plus Cellular का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टैब के डायमेंशन की। दोनों टैब की लेंथ की बात करें तो Yoga Tab 11 में 10.11 इंच जबकि iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में 9.87 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Yoga Tab 11 से कम है। विड्थ की बात करें तो Yoga Tab 11 में 6.65 इंच जबकि iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में 6.85 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Yoga Tab 11 में 0.31 इंच जबकि iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Yoga Tab 11 में 655 ग्राम्स जबकि iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में 495 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों टैब में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Yoga Tab 11 में 11.0 इंचेस जबकि iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में 10.2 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Yoga Tab 11 में 1200x2000 और iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में 1620x2160 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Yoga Tab 11 में 79.36% जबकि iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में 73.85% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Yoga Tab 11 में 212 पिक्सेल प्रति इंच जबकि iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में 265 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स की, जो कि टैब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Yoga Tab 11 में एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। और iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular की बात करें तो इसमें भी हमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Yoga Tab 11 में 3 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Yoga Tab 11 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो टैब में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Yoga Tab 11 में Mali G76 MC4 जबकि iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में Apple GPU 4-Core Graphics मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Yoga Tab 11 में MediaTek Helio G90T और iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में Apple Bionic मिलता है। बात करें RAM की तो Yoga Tab 11 में 4GB की RAM मिलती है जबकि iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Yoga Tab 11 में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Yoga Tab 11 में अप टू 256GB जबकि iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Yoga Tab 11 में Android V11 जबकि iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में iPadOS V14 देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Yoga Tab 11 में 1 कलर्स जबकि iPad 2020 Wi-Fi Plus Cellular में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Yoga Tab 11 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें iPad 2020 Wi-Fi Plus सेल्यूलर की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 41,900 रुपीस, 3 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 49,900 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो लेनोवो योगा टैब 11 में 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें एप्पल आईपैड 10.2 2020 वाईफाई प्लस सेल्यूलर की तो उसमें 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों टैब सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों टैब सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों टैब सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों टैब सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे टैब को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 FE वाईफाई है, दूसरा नोकिया T20 है, तीसरा एप्पल आईपैड 10.2 2021 वाईफाई है और लास्ट कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें Acer 110T4 है। और ये सारे टैब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।